किड, आज ना हम एक नए तरह की आम की अचार बनाएंगे जो कि हम बिना ऑयल के बनाएंगे। आइए फिर बनाने चले। यहाँ पर हमने ना 5 किलो कच्चे आम लिए हैं और इसको हमने कट करके लेके आए थे और इसकी ना जो गुठली है उसके साथ ये इसके साथ ही उन्होंने कट करके हमने उन्होंने दिया था। हम क्या करेंगे अभी घर पे लाके ना इसको यहाँ से गुठलियाँ निकाल देंगे और अच्छे से इसको धो के हमने देखिए यहाँ पर मैं कुछ आम धो के ले ली हूँ। अब इनको क्या करेंगे पूरे ओवर नाइट हमें फैन के पंखे के नीचे हमें इसको सुखाएंगे, फिर कल थोड़ा सा ना धूप में भी दे देंगे। खाली ऐसे ही आम को धूप में देना है, बाद में इसको मसाला हम करेंगे इसकी। The next day. हमने जो आम सुखाया था ना देखिए मैं इसमें ना थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको क्या किया ना हल्दी और नमक लगा के छोड़ दिया था। अब ऐसे देखिए कितनी सॉफ्ट भी हो चुकी है। यहाँ पर ना जैसे मैंने लिया था आम 5 किलो तो यहाँ पर मैं गुड़ भी उतनी लूँगी, जितना आम आप लोगे उतनी गुड़ लेना है। मैं ना यहाँ पर देखिए गुड़ जैसे मैंने ये वाले जो पतीला रखा है गैस पे और धीरे धीरे हमने गुड़ इसमें डाला है और ये पिघल रहा है, धीरे धीरे ये पिघलेगा। अभी पहले पिघलने देते हैं हमारे। देखिए जो गुड़ को हमने रखा था ना गैस पे कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब आइए इसकी मसाला बनाते हैं। यहाँ पर एक पैन में ली हूँ जिसमें हम मसाला डालेंगे और हल्के आंच में ना धीमी आंच में इसको भूनेंगे। पहले मैं यहाँ पर ना सौंफ डाल रही हूँ और ये मैंने लिया है 5 चम्मच, मैंने बड़े चम्मच में जैसे टेबलस्पून में 5 ली हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ सरसों दाना, थोड़ा सा सरसों दाना हमें ज़्यादा देनी है। और सरसों दाना देखिए मैं डाल रही हूँ, ये छोटा जो कटोरी होता है ना पूरा मैं उसमें दे रही हूँ। यहाँ पर मैं जीरा, साबुत जीरा डाल रही हूँ, ये भी उतनी है। इन तीनों को ना पहले हम भून लेते हैं। हमने देखिए इसको भून लिया है। अब इसको मैं ना एक प्लेट में ले लेती हूँ। यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं मेथी दाना डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं देना है नहीं तो कड़वा हो जाएगा। तो ये ना 1 टेबलस्पून में दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ खुशबू के लिए, ये खुशबू अच्छी आते हैं। तो इनको भी हल्का हमने ना ऐसे रोस्ट करना है। इनको ना हम देखिए रोस्ट तो कर लिए हैं, इनको हम अलग रखेंगे और बाद में इसको ग्राइंड करके डालेंगे। हम इन मसालों को ना ग्राइंड करके ले लेते हैं। इनको हमें ना पूरा पाउडर नहीं बनानी है, दरदरा सा पीसना है। और इसमें ना आप कलौंजी डाल सकते हैं और कोई कोई धनिया भी डालते हैं और कोई जैसे चिली होती है ना वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ना पाउडर दूंगी इसमें, चिली पाउडर डालूंगी। हमने ग्राइंड करके ले लिया है ये मसाला ना, ये गुड़ में अभी डालेंगे हम और अच्छे से ना इसको मिक्स कर लेते हैं। मेथी दाना को भी देखिए इसको भी हम ग्राइंड करके ले लेते हैं। मेथी के पाउडर जो है मतलब ग्राइंड किया हुआ इसको भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें। अब इनमें ना चिली डालेंगे, रेड चिली पाउडर मैं डालूँगी इसमें। ये रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये ना अपने हिसाब से आप डालिएगा क्योंकि कम तीखा कोई ज़्यादा तीखा भी खाते हैं तो इसीलिए हमें डालना पड़ता है। या रेड चिली जो साबुत वाले उसको भून के भी आप डाल सकते हैं इसमें। मिक्स कर लेते हैं सबको। A few moments later. इसमें जो हमारा आम थे ना हल्दी और नमक डाला हुआ वो इसमें डालेंगे और धीरे धीरे चलाते जाएंगे।
अब ना यहाँ पर मैं ना एक बड़ा सा देखिए ऐसे प्लास्टिक की फ्लोरा के ऐसे आते हैं ना, तो इसमें अच्छा रहेगा। मैं इसको अच्छे से ऊपर से ना कवर कर दूंगी, तो इसमें हम रखेंगे। इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके। इसको ना हम क्या करेंगे, ऐसे एक न्यूज़पेपर या कपड़ा कुछ भी हो आप दे सकते हैं, और इसको ढक्कन ऐसे ऊपर से लगा देंगे ताकि इसमें हवा ना जाए। और इसको ना हम 15 दिन तक धूप में रखेंगे। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सारा इसमें डाल दी हूँ, और अच्छे से मैंने ये देखिए बहुत लिक्विड भी है इसके अंदर। ये ना धीरे धीरे इसमें ना मैं ऑयल नहीं दूँगी, लेकिन जिनको पसंद है ऑयल आप दे सकते हो। थोड़ा ऑयल जब देना है ना, सरसों तेल देना है, और उसको पहले अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा करके इसमें देना है। लेकिन मैं कभी ऑयल नहीं देती हूँ, और मेरा ख़राब भी नहीं होता, ये सालों साल रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना अभी कुछ दिन पहले की बात है मैंने बनाया था, तो ये मैं रखी हूँ यहाँ पर। देखिए कितनी अच्छी कितनी डिलीशियस लग रही है, और मीठा भी अच्छा है इसमें। और क्योंकि हम ये मीठे अचार ही बनाए हैं, तो ये मीठा हमें अच्छा से मीठा देना है। और आम को जैसे जिस प्रोसेस में मैंने बोला है ऐसे ही करना है आपको। और कलौंजी आप डाल सकते हो इसमें, मुझे पसंद नहीं है बोल के मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।